नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी सीपीसीटी के बारे में। हम जो है संपूर्ण जानकारी, जैसे कि सीपीसीटी है क्या, कब से लागू हुआ और उसके लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन होता है वो उसके लिए हमको करना क्या होता है, साथ ही एग्ज़ाम किस पैटर्न में होता है और हमको एग्ज़ाम में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतना चाहिए, साथ ही बात करेंगे किसकी, रिजल्ट आने के बाद जो स्कोर कार्ड निकलता है आपका, जो एक प्रकार से मार्कशीट कहलाती है इसकी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कंप्लीट जानकारी यहां पर हम देखेंगे, आपको वीडियो के एंड तक जरूर देखना है ताकि आप एक भी जानकारी मिस ना करें अगर आप सीपीसीटी के एग्जाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम, साथ ही अभी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है तो वेबसाइट में भी आप जो है विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट में दिखा दूंगा, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो चलिए एक बार जो है मैं आपको बेसिक रूप से सारी चीज़ें दिखा देता हूं। हम चलते हैं कहाँ पर, गूगल क्रोम में। आपके मोबाइल में गूगल क्रोम होगा तो आपको सीधे टाइप करना है sarkarstudywebs.com। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसको आपको जैसे एंटर करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको सारी कैटेगरी के जो नोट्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप DCA, PGDCA या कोई भी कोर्स कर रहे हो, MP से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है, CPCT इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, जॉब वैकेंसी है, वीडियो क्लास है, ठीक। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, वेबसाइट की। हम सीधे यहाँ पर शुरू करते हैं हमारी क्लास को बिना देरी किए। तो पहले बेसिक रूप से मैं आपको CPCT के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, फिर आगे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो CPCT, जैसे कि फुल फॉर्म पता आपको, देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, एक प्रकार का टेस्ट है जो क्या कहता है कि अगर आपने इसको पास कर लिए तो आपने गवर्नमेंट जॉब में जो भी स्किल की ज़रूरत होती है, उसमें काम करने के लिए जो भी आपको क्वालिटी की ज़रूरत होती है, वो इस टेस्ट में पूरा कर लिया जाएगा। अभी लागू कब से हुआ, तो देखिए MP गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया था जिसका नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है, और ये ऑर्डर पास किया गया था 26 फरवरी 2015 को, तब से ये लागू हुआ है। किस लिए लागू हुआ, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जो स्किल, यहाँ पर जो भी स्किल की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, उसको यहाँ पर पूरा किया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ बेसिक हम देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर जो भी निकलती है गवर्नमेंट के अंतर्गत, उसके लिए आपको CPCT की ज़रूरत होती है। इसके अलावा IT ऑपरेटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेटर, साथ ही असिस्टेंट Grade 3 जो कि व्यापम यानी कि जो ESB उसके अंतर्गत निकलती है, स्टेनो, शॉर्ट हैंड, टाइपिस्ट और इसके समान ही अन्य जो पोस्ट होती है, उसके लिए आपको CPCT का सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि उसका जो स्कोर कार्ड होता है वो आपके पास होना बहुत जरूरी। साथ ही स्कोर कार्ड भी कैसा होना चाहिए, परसेंटेज बेस, यानी कि आपका स्कोर कार्ड ओनली पास वाला होगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उससे ज़्यादा परसेंटेज और किसी के बने हैं तो आपकी जो है आपका नंबर बाद में आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, और जो स्कोर कार्ड है वो आपका CPCT की साइट से आपको देखने को मिलेगा जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। एग्ज़ाम लेने वाली जो नोडल एजेंसी है उसका नाम है MAP IT। MAP IT मतलब मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस नोडल एजेंसी के द्वारा जो CPCT है उसके एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए ESB यहाँ पर एग्ज़ाम लेती है, उसी प्रकार MAP IT यहाँ पर CPCT के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। अब बात करते हैं स्कोर कार्ड की। तो स्कोर कार्ड जब आपको मिल जाता है, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम की डेट्स है, उसके बाद आपके पास स्कोर कार्ड आता है, तो एग्ज़ाम की डेट से लेकर अगले 7 साल तक इसके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी देखने को मिल जाती। पहले हुआ करती थी ये 2 साल की, परंतु 17 सितंबर को यहाँ पे 2021 को एक ऑर्डर पास किया गया जिसमें इसकी वैलिडिटी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 7 साल, यानी कि एग्ज़ाम की डेट से। आगे हम देखेंगे यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी, यानी कि CPCT का एग्ज़ाम कौन दे सकता है। तो CPCT के एग्ज़ाम जो है हायर सेकेंडरी मतलब हो जाता है 12th पास जिसने कर लिया हो, या फिर जिसने 10th के बाद पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया हो, ये व्यक्ति दे सकता है। साथ ही उसकी एज जो है, यानी कि उसकी उम्र होना चाहिए 18 साल के बाद वाले दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका cpcitymp.gov.in पे होता है, तो इसमें आप सीधे चले जाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखा देता हूँ। पहले तो देख लेते हैं, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद जब एग्ज़ाम फॉर्म आप पे करोगे फीस, तो आपकी फ़ीस लगेगी 660 रुपये, ठीक है, यानी 660 ओनली। अगर आप फॉर्म में कोई गलती और एडिट करना चाहते तो आपको 50 रुपीज़ यहाँ पर लगेंगे। फिर इसी में आपको, इसी लॉगिन में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, इसी में आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड आने से पहले आपका रिज़ल्ट आता है, मतलब
रिजल्ट जब आया है और रिजल्ट आपकी संतुष्टि नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे, पेपर ओपन करके आप चेक करवाओगे, यानी कि रीचेक बोलते हैं या रीवैल्यूएशन बोलते हैं। तो जब आप रीवैल्यूएशन करवाओगे तो कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यूज़ में दिक्कत हो सकती है, कहीं ना कहीं आप हिंदी टाइपिंग पूछ सकते हैं, भाई हिंदी टाइपिंग में दिक्कत होती है उसको देख सकते हैं, या फिर दूसरी दिक्कत हो सकती है इंग्लिश टाइपिंग में। तो कितने पार्ट हो गए, तीन, एक तो हो गया एमसीक्यू और दो टाइपिंग हो गई, तो तीन पार्ट हो गए। अगर आप इनमें से किसी एक को भी रिवेलुएट करवाना चाहते हैं, रीचेक करवाना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर एक एक पार्ट के हिसाब से आपको लगेगा ₹100 जब आप इसको रीचेक करवाओगे। तो ये इस प्रकार से मैंने बेसिक चीज़ें बताया। अब आप सीधे चलिए कहाँ पर, यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ CPCT के जो वेबसाइट है वहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं और सीधे हम टाइप करते हैं cpct.mp.gov.in, ये आ गए, ठीक है। ये हम जो है मेन पेज में आ गए, होम पेज में, और यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है, लिखा हुई है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट CPCT, ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिलती है, जैसे आप देखिए यहाँ पे स्कोर कार्ड देखने को मिल जाता है, यहाँ स्कोर कार्ड के बारे में जानकारी, एप्लीकेशन फॉर्म कब ओपन हो रहा है उसकी जानकारी, एप्लीकेशन फॉर्म कब एंड हो रहा है उसकी जानकारी डेट रहती है, और एग्ज़ाम आपके कब कब होंगे इसकी जानकारी। तो इसको आप विजिट करते रहिए ताकि आप आने वाले समय में जब भी एग्ज़ाम देंगे या अभी दे रहे होंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ मिल जाती। साथ ही न्यू जो इन्फॉर्मेशन है नोटिस के फॉर्म में आपको मिल जाती है, नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन, हालांकि ये देखने की ज़रूरत नहीं, इसके बारे में मैं सारी जानकारी आपको शॉर्ट में बता दूंगा। आपको यहाँ रजिस्टर करना होता है, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, रजिस्टर। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, परंतु अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है क्या, नहीं। जब ओपन होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ एग्जिस्टिंग यूज़र, मतलब आप CPCT का रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और आप फिर से लॉगिन करना चाह रहे हो, तो एग्जिस्टिंग के अंतर्गत जाके आप ID और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और आप लॉगिन करेंगे। चाहे तो आप पासवर्ड भूल गए हैं तो भी फॉरगेट कर सकते, तो ये बाकी की चीज़ है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं और आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। मेन चीज़ होती है जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो तो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए आपको सेंटर, यानी कि एग्ज़ाम देने के लिए कोई ना कोई सिटी में जाना होता है, तो आपको मुख्य रूप से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और सतना, इन सिटी में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं CPCT के। इनमें से आपको किसी तीन को यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। अब तीन भी कैसे, तीन को भी आप रैंक दे सकते हैं, 1, 2, 3, यानी कि ऐसे प्रेफरेंस आप सेट कर सकते हैं। चाहे तो आप 1 भोपाल को कर दो, या 1 इंदौर को कर दो, या 1 ग्वालियर को, जिसको भी आप करना चाहते, हो सकता है 1 आप इसको कर ले, 2 इसको कर ले और 3, तो ऐसे प्रेफरेंस के हिसाब से आप जो है सेट कर सकते हैं। 3 चॉइस, यानी कि 3 चॉइस आप ले सकते हो इसमें। देखिए मध्य प्रदेश का मैप है, मध्य प्रदेश के मैप में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। तो देखिए यहाँ ग्वालियर दिख रहा है, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आपको बीचों बीच में नज़र आती है, ठीक है। इसके अलावा आपको जबलपुर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है जबलपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें तो 3 सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंदौर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, उज्जैन यहाँ देखिए पास ही पास में, तो आप चाहे तो भोपाल दे सकते हैं, उज्जैन दे सकते हैं, इंदौर, ऐसा आपकी इच्छा है, आपका सिटी जो है पास में रहती है। कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि एग्ज़ाम जो होता है किस पैटर्न में होता है। तो पहला तो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 ऑप्शन वाले होते हैं, जिनमें से एक करेक्ट को हमको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, आगे मैं बात करूँगा इसकी। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, एक चीज़ पहले मैं बता देता हूँ, रीडिंग कम्प्रेहेंसन, एक पैसेज आता है और पैसेज में आपको 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। अब ये पैसेज आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर ध्यान से पढ़ लेते थे 5 क्वेश्चन आपके वैसे ही मिल जाएंगे, ठीक है, को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट होता है टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट पॉसिबल की स्ट्रोक्स यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब जैसे मान लो आपने वर्ड लिखे तो वर्ड में कितने कैरेक्टर है, 1, 2, 3, 4, तो आप 4 की स्ट्रोक यहाँ पे ध्यान रखोगे। अगर आप धोखे से 5 करते हो तो थोड़ा सा ये वार्निंग आपको देखने को मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु पॉसिबल की स्ट्रोक का मतलब हो जाता है 4 के लिए 4 ही की स्ट्रोक आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। टेस्ट का ड्यूरेशन होता है आपका टोटल 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे में आपको कंप्लीट टेस्ट देना होता है, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन हल करना होता है, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन्हें हम बोलते हैं। 15 मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए मिलता है, 15 मिनट आपको हिंदी टाइपिंग के लिए मिलता है, और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा जो इंस्ट्रक्शंस है मॉक टेस्ट है उसके लिए यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। MCQs के लिए आपको सिलेबस ध्यान रखना होता है, बेसिक बेसिक ऑप्शन में बता देता हूँ, इसका डिटेल सिलेबस में आगे आपको सिलेबस वाले वीडियो में बताऊँगा।
तो यहाँ देखिए आपको जो है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के साथ फैमिलियर होना पड़ता है, यानी कि हार्डवेयर क्या है, मेमोरी क्या है, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से रैम रोम है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बेसिक ऑपरेशन देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट का बेसिक नॉलेज, जो सिक्योरिटी वगैरह होती है उसके लिए आईटी स्किल आपके पास होना चाहिए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की, पैसेज पढ़ने का आपको नॉलेज होना चाहिए, किस प्रकार पैसेज पढ़ा जाता है और उसको हल कैसे करा जाता है। कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी आते हैं और कुछ रीजनिंग के भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में नॉलेज ले लेना। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं। जनरल अवेयरनेस, जीके वगैरह, करंट अफेयर यहाँ पे हो जाता है, कीबोर्ड स्केल आपको होना चाहिए, शॉर्टकट वगैरह की जानकारी और इंटरनेट की जानकारी होना चाहिए। तो इन सभी से लेकर आपके क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, कितने टोटल 75, और कंप्यूटर के यहाँ मिल जाते हैं 52, बाकी मिल जाते हैं आपके 23 कहाँ किस चीज़ से, बाकी अदर चीज़ों से। तो मैं कोशिश करूँगा आपको 52 में से आप जो है 45 नंबर आप लेकर आ जाओ। अब देखिए बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं बोल रहा हूँ, अब कंप्लीट बनना यहाँ पॉसिबल नहीं है, पर भी फिर भी हम कोशिश करेंगे 52 में से 52 लाने की, ठीक है। आगे हम जो है सीरीज़ लेकर आएंगे 1000 क्वेश्चन की, 1000 MCQs की, साथ में मैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आपको दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन के साथ में आप पढ़ोगे तो आप रिलेटेड क्वेश्चन को भी हल कर पाएंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। चलिए आगे देखिए, टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग पैराग्राफ में आती है, कंप्लीट पैराग्राफ, जिसको आपको 15 मिनट में टाइप करना होता है, आपकी स्पीड उसी से मापी जाती है। तो पहला तो होती है इंग्लिश टाइपिंग, जो कि मिलती है आपको 15 मिनट की, उसके पहले आपको 5 मिनट का क्या मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए टाइपिंग जो होती है आपकी हिंदी, हिंदी यूनिकोड में होती है, यूनिकोड मतलब हो जाता है या तो रेमिंगटन गेल में करो कीबोर्ड का लेआउट, या तो इन स्क्रिप्ट में करो, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर देवनागरी के अंतर्गत इन स्क्रिप्ट की बात करें तो इसका लेआउट कुछ अलग है, इसको हमने नहीं पढ़ा है, अगर किसी ने सीखा है तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है इसका, ये आप लेआउट देख सकते हैं इसका, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से कीबोर्ड इंस्टॉल करना होता है, हम ज़्यादातर करते हैं क्या, रेमिंगटन गेल, रेमिंगटन गेल का कीबोर्ड जो होता है आपका, जैसे आप कृतिदेव में टाइपिंग करते हैं कि नहीं, कृतिदेव में टाइपिंग करते हैं उसके जैसा रेमिंगटन गेल का लेआउट होता है, तो ये जो है थोड़ा सा फैमिलियर है, इसमें आप करते हैं तो इसी में आप करते रहिए, इसमें आप स्पीड बढ़ाइए और स्पीड बढ़ाकर आप जो है क्या कर सकते हो, अपनी जो है टेस्ट को पास कर सकते हो। कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पहली चीज़ तो होती है करेक्ट वर्ड, आपको पता होगा करेक्ट वर्ड मतलब सही शब्द, जो पैराग्राफ है जो हम टेक्स्ट एरिया में टाइप करेंगे, जो हमको मिलेगा टाइप करने को, तो उसमें जो सही शब्द टाइप करेंगे वो कहलाएंगे करेक्ट वर्ड। कुछ इनकरेक्ट होते हैं, गलत शब्द हम टाइप करेंगे वो इनकरेक्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है की स्ट्रोक काउंट KSC, इसका मतलब हो जाता है टेक्स्ट एरिया में हम जो टाइप करेंगे, मान लो हम वर्ड को टाइप कर रहे हैं और यहाँ पे हम कितने की स्ट्रोक करेंगे, 4, कभी कभी ये हो जाता है हम कुछ गलत कर देते हैं तो इसको बैक कर लेते हैं, तो ये की स्ट्रोक कहलाता है यहाँ पे, की स्ट्रोक काउंट, तो की स्ट्रोक को काउंट करेगा KSC। जब हम टाइप कर रहे होते हैं और अगर कोई शब्द को मिटाना है तो हम मिटा सकते हैं और उसको हम जो है फिर से लिख सकते हैं, इसमें आपकी बैक स्पेस को काउंट नहीं किया जाएगा, हालांकि बैक स्पेस आपकी एरर काउंट होती है, मतलब गलतियों में काउंट होती है, परंतु ये शब्द लिखते लिखते आपने अगर बिना स्पेस के यहाँ पे, जैसे मान लो ए के बाद आर लिखना था, आर की जगह और कुछ लिख दिए, तो इसको हटाकर आप आर लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि अभी शब्द पूरा नहीं हुआ है, तो इसी में आपका बैक स्पेस काउंट नहीं होता, जबकि कहीं दूसरी जगह बैक स्पेस काउंट होता है तो वो गलती कहलाती है। एक होता है ग्रॉस वर्ड, यानी कि सकल जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं आपके सही और गलत दोनों, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों शब्दों को मिलाकर ग्रॉस आपका वर्ड मिल जाते हैं GW। फिर एक हो जाते हैं नेट वर्ड, NW बोलते हैं, सही शब्दों की संख्या को नेट वर्ड बोलते हैं, ठीक है, जबकि ग्रॉस मतलब सही और गलत दोनों आ जाते हैं। एक्यूरेसी का मतलब हो जाता है, आपने मान लो 100 शब्द टाइप करे, 100 में से कितने सही हैं वो कहलाते हैं आपके एक्यूरेसी, यानी कि आपकी शुद्धता क्या है, तो आपने मान लो 96 सही करे हैं, 4 आपने गलत करे, तो आपकी एक्यूरेसी क्या जाएगी, 96 है। टाइम टेकन, कितने सेकंड लिए टाइप करने में वो दिखाता है आपको टाइम टेकन, तो ये बेसिक आपके टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, हिंदी टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग के लिए मिलता है 15 मिनट, पर उसके पहले आपको 10 मिनट मॉक टेस्ट, यानी कि आपकी टेस्टिंग की जाती है कि आप फेमिलियर हो जाओ उस चीज़ से, आप एडजस्ट हो जाओ। तो जैसे ही आप IM बिगिन रेडी करते हैं जो भी है, उसके लिए आपको जो है उसके बाद आपको टाइपिंग की कीबोर्ड
हिंदी आपको सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही लैंग्वेज बार से आप हिंदी सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपको चेंजेस नहीं करना है। फिर आपको 10 मिनट मॉक टेस्ट करना है और उसके बाद आपको हिंदी टाइपिंग करना है। अब ये हिंदी लैंग्वेज जो होती है रेमिंगटन गेल, अगर आपको बनता है इंस्टॉल करना डाउनलोड करना तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दिया हूँ, हालाँकि आगे और बना दूंगा। अब हिंदी टाइपिंग के लिए देखिए, आपको इनस्क्रिप्ट या तो रेमिंगटन गेल, दोनों में से कोई भी लेआउट को सेलेक्ट कर लेना। मान लो हमने रेमिंगटन गेल को सेलेक्ट कर ली, और जब हम जो है अच्छा ये रेमिंगटन गेल और जो भी आप फॉर्म भरोगे उसमें आपको ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड में आपका आ जाएगा। जब भी हम टेक्स्ट पैराग्राफ में टाइप करेंगे तो हाइलाइटेड वर्ड दिखता है, हाइलाइटेड वर्ड को ही टाइप करना है, कुछ अन्य शब्द को टाइप नहीं करना, तो आपका ग्रीन कलर, ग्रीन कलर मतलब हो जाता है करेक्ट वर्ड, हाँ मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। पर यदि आप कोई अन्य शब्द टाइप करते हैं तो आपका रेड कलर आएगा, मतलब आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं। आपको डबल स्पेस नहीं करना है टाइप, डबल स्पेस का मतलब क्या हो जाता है कि आपने इसके बीच में एक स्पेस दिया, आप इसकी जगह दो स्पेस दे सकते हैं, तो ये कहलाएगा आपका इनकरेक्ट, क्या कहलाएगा इनकरेक्ट। अगर आप टाइप कर रहे हो, टाइप करने के दौरान आपका शब्द गलत हो जाता है तो उसको आप तुरंत ही सुधार सकते हैं, परंतु एक बार आप स्पेस दे देते हैं तो आप शब्द को सुधार नहीं सकते, वो गलती में गिना जाएगा। और जैसे ही आपके शब्द कंप्लीट टाइप हो जाते हैं तो तुरंत आप जो है क्या करिए, सबमिट करिए, मतलब आप टेस्ट को तुरंत सबमिट कर दीजिए जैसे आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। उससे क्या होगा, आपकी नेट वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड, वो जो है मतलब एक प्रकार से बिगड़ेगी नहीं, सही रहेगी। अगर आप थोड़ा सा देर करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है कम गिनी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए जैसे ही शब्द टाइप हो आप सबमिट कर दीजिए। इसके अलावा देखिए कुछ दिक्कत आ जाती है, जैसे कि कीबोर्ड एरर आ जाती है, ये होता ही है, कंप्यूटर है भाई, वो मशीन ऑटो लॉक हो जाती है, पावर का डिस्टर्बशन हो जाता है, ब्राउज़र की कैश से रिलेटेड दिक्कत, या आपका सेशन टाइम आउट हो जाता है। तो इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी एरर आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और अपने आसपास कोई इन्विजिलेटर होगा जो आपके मॉनिटरिंग करता है, उसको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो इससे आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम में। जैसे टाइम आउट हो जाता है, सिंपल सी बात है भाई, मतलब सेशन टाइम आउट हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है, तो फिर से लॉग इन करके आपका टाइम वहीं से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या करें और क्या ना करें ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब एक बार आप कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट कर देते हैं, हिंदी वाला, इंग्लिश वाले में इंग्लिश लेआउट सेलेक्ट कर दिए, उसके बाद आपको चेंज नहीं करना है जब तक कंप्लीट ना हो, और हिंदी वाले में हिंदी कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, रेमिंगटन गेल या इनस्क्रिप्ट, उसके बाद आपको चेंज नहीं करना है। हाईलाइटेड वर्ड को ही टाइप करना है, किसी अन्य वर्ड को टाइप नहीं करना है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना है शब्दों के बीच में। इसके अलावा आपको जितनी जल्दी हो सके शब्द टाइप होने के बाद सबमिट करें टेस्ट को, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे। कुछ नहीं करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि जो कीबोर्ड कॉम्बिनेशन दिए गए हैं हमारे कीबोर्ड में, उन्हीं को प्रेस करना है, कुछ अन्य कीबोर्ड कॉम्बिनेशन आपको प्रेस नहीं करना है, ठीक है, उससे आपकी एरर हो सकती है। स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग नहीं करना है, जो आपके पैराग्राफ में दिए उन्हीं को टाइप करना, जैसे कॉमा लगा है कॉमा ही टाइप करना, डबल कोट लगा डबल कोट को ही टाइप करना, कुछ अन्य दिए नहीं है उनको अगर टाइप करोगे तो वो एरर में गिने जाएंगे। अगर आप एक बार हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते तो आपको इंग्लिश में नहीं जाना है, और इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश के बाद हिंदी में नहीं जाना है, यानी कि टोगल नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बैक स्पेस और अदर की का जो है मतलब टेस्ट में उपयोग नहीं करना है, जो आपको डिस्प्ले हो रहा है वही आपको टाइप करना है। तो ये कुछ नहीं करने वाली चीज़ें हैं, इनसे आपको जो है थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जब आप कंप्लीट एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको 50% जो है मार्क्स अगर प्राप्त हो जाते हैं हर चीज़ों में, जैसे 38 नंबर मिल जाते हैं 75 में से, तो आप MCQ में पास हो गए। 30 शब्द पर मिनट, मतलब नेट वर्ड पर मिनट यहाँ पर होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में, तो आप पास हो गए। अगर आप 20 वर्ड यानी कि नेट वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग में हो जाते हैं तो आप पास हो गए। तो इसके लिए होना क्या चाहिए, मतलब इंग्लिश के लिए आपकी टाइपिंग होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए आपकी होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, तभी तो आप एक्यूरेसी निकाल पाएंगे 20 वर्ड, ठीक है। परंतु मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपकी 40 में आपको कंप्लीट नहीं रहना, आप कम से कम 50 की स्पीड लाइए इंग्लिश में, और हिंदी में कम से कम 40 के ऊपर लाइए, तभी आपका स्कोर कार्ड जो है थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। स्कोर कार्ड मैंने यहाँ आप सैंपल की लिंक दे दी हूँ, आप क्लिक कर सकते हो PDF से और आप इस स्कोर कार्ड को पढ़ सकते हैं, आगे मैं और बताऊँगा। चलिए मैं स्कोर कार्ड को पढ़ाऊँगा, उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्किल की सूटेबिलिटी मैट्रिक्स दिया है, जॉब प्रायोरिटी, अगर सिर्फ
कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी के लिए आपका जॉब है, तो आप जो है सिर्फ एमसीक्यू में पास हो गए तो आपका स्कोर कार्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में आप टाइपिंग स्पीड ना रहे, फेल हो जाओ, परंतु कंप्यूटर की स्किल मंग रहा है तो वहाँ आपका स्कोर कार्ड चल जाएगा। परंतु यहाँ आपको कंप्यूटर के साथ साथ हिंदी टाइपिंग मांग रहा है तो ये स्कोर कार्ड आपका चल जाएगा। इंग्लिश आपका नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश वाला है इंग्लिश के लिए चल जाएगा, हिंदी आपका नहीं, मतलब एक टाइपिंग हो जाती है तो भी आपके स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पास कर लेते हैं तो स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाता है क्वालिफाइड करके, परंतु सिर्फ टाइपिंग बस से स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं उनको पास करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑप्शनल हो जाते हैं कौन से, टाइपिंग। अब वो जॉब की प्रायोरिटी कहाँ कौन सी चीज़ आपकी लग रही, जैसे एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपका कंप्यूटर की स्किल भी मांग रहा है, इंग्लिश की टाइपिंग होना बहुत ज़रूरी है और हिंदी टाइपिंग भी, तो वहाँ आपका तीनों में पास होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका स्कोर कार्ड कैसे बनेगा, 30 से 40 वर्ड पर मिनट है तो 50% मार्क्स है, इसका मतलब इंग्लिश टाइपिंग आपने पास कर लिए, और हिंदी के लिए 20 से 25 वर्ड पर मिनट है तो आपका हिंदी टाइपिंग पास हो चुका है। पर मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपकी लगभग इतनी स्पीड होना चाहिए, 70% मार्क्स तो होना चाहिए, यहाँ भी इतनी स्पीड लगभग होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कोशिश करिए, कोशिश तो आपको 100% की करना है, उसके बाद आप जो है मतलब यहाँ पर आपको 70% आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, कुछ प्रोसेस दी है CPCT की, हमको उससे मतलब नहीं है, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है फिर उसके बाद क्या होता है सारी चीज़ें। तो एक बार मैं आपको चलकर क्या दिखाता हूँ, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको वही मिलेगा CPCT की जो साइट है वहीं पे, कहाँ पे देखिए आपको एंटर करना है और होम अबाउट और मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे आप मॉक टेस्ट में जाओगे तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे साइन इन करना है। ये देखिए सीधे आपने साइन इन करे, यहाँ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आएगा आपको एग्ज़ाम जब दोगे, और यहाँ हिंदी और इंग्लिश यहाँ चेंज करने के इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब ये देखिए आपको इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, मतलब एग्ज़ाम शुरू करने के पहले आप इसको पढ़ सकते हैं, टाइम मिलता है इसके लिए, इसके लिए टाइम नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और फिर आप जो है नेक्स्ट करिए। जैसे आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप जो है डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या चाहते हो एग्ज़ाम के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए तो हमने चेंज कर दिए, अब इंग्लिश चाहते हो एग्ज़ाम के लिए या हिंदी में चाहते हो एग्ज़ाम, तो आप हिंदी कर दीजिए, इंग्लिश करना है इंग्लिश कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए आपको टिक करना है आई एम रेडी, ये देखिए आई एम रेडी टू बिगेन, जैसे आपने क्लिक करे आपका एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और देखिए यहाँ टाइम 75 क्वेश्चन के लिए 75 मिनट मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन हैं, और यहाँ क्वेश्चन लिखा है और चार ऑप्शन, चारों में से आपको क्या करना है यहाँ पे किसी एक को सेलेक्ट करना है जो आपका सही होगा और आप सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, किसी में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वापस जा सकते हैं। ऐसे देखिए ये कंप्लीट रूप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है, इनमें आप जो है मूव कर सकते हैं। देखिए 52 मार्क्स के क्या आ जाते हैं आपके ये जो कंप्लीट क्वेश्चन कंप्यूटर वाले। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको आगे मिलेंगे रीडिंग कंप्रेहेंसिव यानी कि आपको पैसेज मिलेगा, फिर आपको देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी मिलेगा, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी भी मिलेगा, फिर जनरल अवेयरनेस मिलेगा। तो इस प्रकार आप जो है कोई भी सेक्शन में इस प्रकार मूव कर सकते हो जब आपकी मर्जी हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन की बात जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो ये हो गया कंप्लीट रूप से क्वेश्चन की बात। ऊपर देखिए आपको इंग्लिश का जो मॉक टेस्ट दिया है, इंग्लिश का टाइपिंग दिया है, फिर हिंदी का मॉक टेस्ट दिया है, फिर हिंदी की टाइपिंग दी है। तो इस प्रकार आप देखिए जब आप कंप्लीट क्वेश्चन को हल करके सेव नेक्स्ट करोगे या फिर सबमिट करोगे, जैसे मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, कम मान लीजिए अपन ने कंप्लीट क्वेश्चन हल कर लिए और यहाँ देखिए सबमिट की समरी आ गई, अब आप बोलोगे यस कर दो, फिर यस कर दो इसको, देखिए यहाँ नीचे आया है प्रोसीड टू नेक्स्ट ग्रुप, यानी कि नेक्स्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट जो है आपका इंग्लिश का टाइपिंग मॉक टेस्ट। देखिए अब यहाँ देखिए हाइलाइटेड कलर क्या दिख रहा है, ऑल। मान लो मैं यहाँ पे ऑल टाइप करता हूँ और स्पेस मारता हूँ तो फिर क्या दिख रहा है, दोज। ठीक है, ये दोज मैंने टाइप करा फिर स्पेस मारा, जो हाइलाइटेड शब्द है उसी को टाइप करना है, किसी अन्य शब्द को टाइप नहीं करना, जैसा लिखा कैपिटल लिखा स्मॉल लिखा जैसा लिखा वैसे ही टाइप करना। जब आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आपको फील हो जाएगा कि भाई टाइपिंग हमने प्रैक्टिस कर ली। नेक्स्ट करिए, अब इसमें भी समरी दिख रहा है यस कर दो, फिर इसको भी यस कर दो, नेक्स्ट प्रोसीड। यहाँ देखिए फिर से आ गया क्या, टाइपिंग टेस्ट, कौन सा इंग्लिश वाला, तो आप देखिए इस प्रकार से इसको भी टाइप कर सकते हो, फिर आप एट, फिर द, देखिए जो शब्द मेरे सामने है क्या आ रहा है हाइलाइटेड उन्हीं को मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से तो वो करेक्ट वर्ड की श्रेणी में आएंगे, यानी कि ग्रीन वर्ड, ग्रीन वर्ड का मतलब हो जाता है करेक्ट वर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको भी कंप्लीट करिए और आप सबमिट कर सकते हो, ये समरी आ गई इसकी, और आप यस कर दीजिए, इसको भी यस कर दीजिए। अब देखिए हिंदी का मॉक टेस्ट आया,
हिंदी के लिए आपको एक बार जो आपका रेमिंगटन गैल है, जैसे मेरे पास में देखिए कीबोर्ड है हिंदी, और हिंदी में भी आपको देखिए यहाँ सेलेक्ट करना है रेमिंगटन गैल। जब आप एक बार इसको चेंज कर लोगे तो अब आपको चेंज नहीं करना है, कब तक, जब तक कि हिंदी टाइपिंग आपकी कंप्लीट ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ठीक, अब यहाँ कुछ ब्राउज़र की एरर है, बहुत के बाद स्पेस आना चाहिए तो समय में आ जाएगा खुद ब खुद। तो ये आपको हाईलाइटेड वर्ड इसमें भी ध्यान रखना है, जहाँ कॉमा लगा है, पूर्ण विराम लगा, सिर्फ वही चीज़ें टाइप करना है, किसी अन्य चीज़ों को आपको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो आप इस प्रकार सबमिट कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट प्रोसीड में देखिए फाइनली हिंदी टाइपिंग का एक्चुअल टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। इसको जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको करना है सबमिट, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप जो है यस इस प्रकार करोगे, और देखिए यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट रूप से देखिए आपको सबमिट करने का आ गया है। आप देखिए यहाँ पे यस कर दो और एग्जिट देखिए इस प्रकार से आपका, देखिए डियर कैंडिडेट यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्ज़ाम, तो ये मैसेज आ जाता है। इसका मतलब अब कभी आप सबमिट नहीं कर पाते, टाइपिंग करने में लेट हो गए, तो एग्ज़ाम ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है 2 घंटे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप नहीं कर पाए, हो गया तो जल्दी से सबमिट कर दीजिए, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, एग्जिट कर दीजिए। तो इस प्रकार आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं CPCT का, ठीक है। कहाँ से देना है, CPCT की साइट में जाना है, और आपको थर्ड नंबर में जो टैब है मॉक टेस्ट, इसमें जाना है और डायरेक्टली लॉगिन कर लेना है। तो इस प्रकार आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपको CPCT के बारे में A to Z सारी जानकारी दे दिया, रजिस्ट्रेशन से लेकर आगे तक की। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आगे जब रजिस्ट्रेशन खुलेंगे तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। साथ ही टाइपिंग कैसे करना है, अगर आप टाइपिंग शुरू करना चाहते तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको टाइपिंग सीखने की रिक्वायरमेंट है तो। इसके अलावा जो कीबोर्ड लेआउट है, जैसे हिंदी को इंग्लिश देखिए रेमिंगटन गैल कैसे करना है, ये भी आपसे बनता तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके लिए भी आगे आपको जो है वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए किसी प्रकार का कोई डाउट है आगे, तो हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखिए आपको देखने मिलेगा, हम आगे जो है 1000 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपकी व्याख्या यानी कि डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, जिसमें क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम देखेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, ये देखिए क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं, और उसको मैं यहाँ आगे आपको जो है डिस्क्राइब करूँगा। फाइनली आपको जो है कंप्लीट रूप से इस 1000 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो आप CPCT के साथ साथ मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी आप पास कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसी प्रकार का डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।